हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जब अब जो इसकी नीचे वाली बॉडी है, अगर हमें वो बंद करनी होगी, हमें हीटिंग एलिमेंट फिर से बंद करना होगा, वही मेक यूज ऑफ एराल्डाइट जो हमारे पास रहता है वो हम यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है। उसमें जर्नली में अगर हम देखेंगे, उसमें दो ट्यूब टाइप निकलते हैं जो आपको दिखा रहा होगा, पार्ट ए और पार्ट टू, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट टू को आपको मिक्स करना होगा, दोनों जब हम मिक्स करेंगे उसके बाद पूरी तरह मिक्स करके हम नीचे बेस प्लेट पे भी ये यूज करेंगे और अपने एलिमेंट पे भी यूज करेंगे, और इसको ऊपर से फिर कनेक्टर वापस से फिट करेंगे। बिफोर यूजिंग दिस मतलब एरलडाइट, इसको लगाने के बाद, इसको बॉन्ड करने के बाद, कम से कम आपको इसको 5-6 घंटे ऐसे ही रखना होगा बिफोर यूजिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नॉर्मल कनेक्शंस है, इसके पावर कनेक्शंस है वो दे देंगे, और दाएं बाएं से भी इसको जो भी हमारे पास, मतलब जो भी आप बॉन्डिंग एजेंट यूज कर रहे हो वो बॉन्डिंग एजेंट यूज करके दाएं बाएं से भी आप बंद करेंगे, और ऊपर से फिर आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो अगर एलिमेंट ये, तो जैसे अभी भी ये दिखा रहा है जो देख रहे होंगे आप फेज और न्यूट्रल दे सकते हो, और आपको खुद पता चलेगा ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस बच्चे को अभी डाउट था, अभी जो बच्चा है वो अभी यस जो अभी कह रहा था शॉर्ट होता है, यस हाँ, एक अगर से यार फिगर में आप देख सकते हो कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने एलिमेंट कोई के फिगर साथ। नहीं दिख रही है, हाँ, कोई फिगर नहीं दिख रही है। एक सेकंड एक सेकंड, कुछ नहीं दिख रहा। शेयर स्क्रीन, रुको, अब आ रहा है स्क्रीन आपके सामने। यस सर, अब आया। हाँ, अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ, फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंस डायरेक्टली, अगर मुझे अब एलिमेंट को टेस्ट करना होगा, तो अगर वो बन किन हो दू ह्यू नियर आ छ नियर आ बन दू ह्यू कैटले, इट मीन्स इट इज हीटिंग अप। बात कर रहे मेन समझ। हाँ देखो, ये धुआं जैसा दे रहा है नीचे से अब। सो इट मीन्स इट इज हीटिंग अप। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे ये पता चला, हाँ जी एलिमेंट अब सही से काम कर रहा है, ये तमारूदी सेकंड आउट। नो सर, सर जब हाँ मैं ऐसे कर रहा था ना तो वहां से एमसीबी उतर जाता था। वही, इट मीन्स आपका एलिमेंट खराब है, ठीक है। एलिमेंट शू बॉडी सी टच अंदरिम निक्रोम शू टच, क्योंकि जब बाहर मैंने सर कनेक्टर से मतलब उसको कनेक्ट किया, कनेक्टर से सर पावर दिया, वो ठीक है क्या? नहीं, आप ऐसे ऐसे देख लो कि ऐसे गड़बड़ क्यों दिखा रही है, क्योंकि मे बी बॉडी के साथ टच हो, और उसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, कल की डेट वो इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है। अच्छा देखो, कभी कभार क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ। कुन कुन लचे गैर आसा अच मोज बेन पाने दबा है, मैं लोग नलकस अथ मैं करंट, ठीक है, गीजर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कभी कभार हमें वैसा हो जाता है कि बीच में करंट आती है, पर लग बात है मैं चुनी वही, ये क्या हो जाता है, जो हमारा ये जो एलिमेंट रहता है ना, ये उतना कुछ ISI मार्क तो रहता है, बट ये तम हाई स्टैंडर्ड का बनोमुत कह इस नॉर्मली गीजरन मन कर तक लकड़ लकड़ पोर्स ग्लोराइड सत लकड़ लकड़ निक निक पोर्स गत यु तबस मतलब पानी जब भी उसके साथ कंटेक्ट हो जाता है, इवन मामूली ड्रॉप गत कंटेक्ट, बॉडी बॉडी करंट मतलब जो करंट है वो बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है, बॉडी ऑफ ए गीजर, नलकस दिवान ग्रीन, नलकस मे लगान करंट, पा बह गुसान तूतः गोमुत आब कह ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट टू द बॉडी, मे बसान कहीं बेचि बसान, कह मे समझ। सो इसमें यस सर, डिपेंड करता है कि अंदर से नुकसान कितना हुआ है। इसी तरह अगर हमिंग साउंड दिखाए, अगर हीटिंग एलिमेंट हमिंग साउंड हावी, सोचन इलेक्ट्रिक केटल या कहाँ की केटल, अगर सो ज्यादा हमिंग साउंड हावी, जनजो यूज तुम एलिमेंट चु ये गैसी वार वार चु खराब गसना सुन, क्या हम कभी कभार क्या करते हैं, हम पानी कम रखते हैं, वो हमिंग साउंड करता है, सो तेज आवाज करा, तब मतलब गो अगर ना तुम आब त्रू, अगर ना बिकॉज चीज जलती है, चीज हीटिंग एलिमेंट इसलिए रखा है कि पानी को गर्म करे, यु अंदर बॉडी ये मैं त्रोन तथ मज आब कह वट विल हैपन ऑटोमेटिकली गई मोन ये इलेक्ट्रिक केटल है यह दज अंदर कि
फिर हम क्या करते हैं इसको नॉर्मली जो कनेक्टर है वो बंद कर देते हैं, इंडिकेटर विंडिकेटर मतलब जो था इसका वो फिट करते हैं, और इसका जो बेस प्लेट है वो वापस लगाते हैं, पावर कॉर्ड ऊपर से पानी डालते हैं, ऑन ऑफ स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं। बाकी इसमें कुछ उतना है नहीं जो मतलब आपको जिसमें रिपेयरिंग करनी हो। आज हीटिंग एलिमेंट को खराब तो यू डायरेक्टली वाथुन टू अनोन हीटिंग एलिमेंट का रोड रिप्लेस, जैसे रिप्लेस हुआ है मैंने दिखाया आपको वैसे आपको रिप्लेस कर रहे हैं। बट बिफोर बिफोर मैं ये कहूंगा कि बिफोर कनेक्टिंग ऑल द कनेक्टर्स आप हीटिंग एलिमेंट को पहले चेक करेंगे कि हीटिंग एलिमेंट छा अंदर काम कराएं कि ना, ठीक है? अगर वो कर रहा होगा फिर आपको जो जॉइंट है जॉइंट करना है, तिलची जो एरल्डाइट वेरल्डाइट जो आप पेस्ट इसमें यूज करोगे बंद करने के लिए फिर आपको वो यूज करना है। बाकी गीजर में भी ऐसे ही होता है, गीजर में भी ऐसे ही होता है। गीजर में मतलब क्या ऐसे होता है, मतलब ऐसे खाली एलिमेंट और वो नीचे से ऐसे बना हो? गीजर में भी जैसे हमने पढ़ा है गीजर, आपने गीजर का लेक्चर अटेंड किया? नो सर, मैं बीमार था, मुझे की ब्लीडिंग होती है सर। बस वही मसला है ना, मैंने गीजर में देखो गीजर में क्या रहता है, एक हीटिंग एलिमेंट रहता है, ठीक है, और एक थर्मोस्टेट रहता है और एक ऑटोकट प्लेट रहता है। पानी जो हमारी हमारा जो कनेक्शन होता है कनेक्शन जाता है पावर कनेक्शन जो जाता है वो ऑटोकट प्लेट के थ्रू स्विच थर्मोस्टेट हुई आसान, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर, ये आ गई। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको गीजर का मैं दिखाता हूँ। देखो गीजर में एक तो हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, या से उच्छमुच, अच्छा वाटर टैंक, ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास असेंबली रहती है, ये अच्छे दफा असेंबली जो इसके हाथ में है इसको हम असेंबली बोलते हैं। ये पानी इनलेट के लिए होता है, पानी आउटलेट के लिए एक पोर्ट होता है, और इसमें दो पोर्ट हमारे जो रहते हैं वो थर्मोस्टेट के लिए रहते हैं। एक थर्मोस्टेट हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है और एक थर्मोस्टेट को हम ऑटोकट प्लेट बोलते हैं। इसमें और एक चीज है हमारे पास जो इनलेट और आउटलेट वाटर पाइप है, जो हमारे पास देखो वाटर कम्स आउट फ्रॉम हायर लेवल मोर देन हाइट ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। जो पानी आउटलेट है आउटलेट के लिए लंबी पाइप होती है और इनलेट के लिए छोटी पाइप होती है, वो इसलिए छोटी पाइप रहती है सो दैट पानी अंदर जो है वो पानी अंदर जमा रहे। यू गोस ना सुन म्यावनी अडई गीजर ते आ भतुन गरम नियरु नेबर, बिकॉज़ अगर वैसा रहेगा तो हां यम सत यू आर तोरन अब एट मिस सच होर नियरा ना चनेरा ना 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 गोनत यु थी तोरन अब ने अचे। देखो पानी पहले गरम पानी जब जाएगा ना अंदर, ये सॉरी ठंडा पानी, ठंडा तो वो पहले रिटेन वहां पे पानी करेगा जो लकड़ पाइप छ जो जिस पे इसने उंगली रखी है, ठीक है। गणित ये न्यू मतलब जो हमारा कोल्ड वाटर है वो जमा 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 हो जाएगा अप टू हेरमी लेवल तक, जो तानी बर्ड यस लॉन्ग रॉड छ तो ता यथी आप वाते पत नियर तपर तो ता सुश आई मूजूब नत गए सोन हीटिंग एलिमेंट डैमेज, क्योंकि मान के चलो गीजर ऑन है इनलेट इनलेट पकान फॉर एग्जांपल इनलेट ये अडियामुत ये गीजर अडियामस भरत व्हाट विल हैपन, जो हमारा एलिमेंट है वो खराब हो जाएगा क्योंकि पानी नहीं है अंदर। तो होता क्या है आउटलेट से तभी पानी निकलेगा जब वो पानी ऊपर के लेवल पे आ जाएगा, इस पेटकन टॉप लेवल से ना ये टॉप लेवल पेठिम टॉप लेवल दिख रहा है आपको जहाँ पे हाथ है इसका ऊपर वाला हाथ, हाँ तो आप नेरी अपरी तुरन आब यूतान बन तुरन आब तुरन आबस उस पाइप तथान बरोबर हाइट को तान यूतान एलिमेंट हाइट तम थोड़ा हेरु पान आसान गो यूतान पूर गोने ठंड आब तथ एलिमेंट हाइट हर 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 वा पत न गरम आब तेल कपर हेरी कि तोतान नेर गरम आबस कहीं अदरवाइज क्या होगा आपका जो गीजर है वो डैमेज हो जाएगा। कथ में समझ तरान? देखो दो पाइपे हैं हमारे पास, एक गर्म के लिए है एक सर्द के लिए है। अगर जब आप ठंडा पानी इसमें डालोगे, ठीक है,
ठंड पाइप शॉर्ट एज कम्पेयर टू हॉट पाइप, हॉट पाइप से लॉन्ग, लॉन्ग मतलब वो ये कि जो ये टैंक के अंदर जब हम डालेंगे तो होगा क्या, जब तक लॉन्ग पाइप के लेवल के ऊपर से पानी नहीं आएगा तब तक लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन के पाइप से पानी नीचे नहीं जाएगा, अमे मूजूब क्या अत ग गीजरस अब रोज एलिमेंट तो रोजन आबसी मज अगर न तो अत चुक इनलेट त्रावा दह लीटर आउटलेट कड़ान दह लीटर व्हाट विल हैपन, हैपन ये होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो जल जाएगा अंदर, या कुन साथ कर इनलेट आब आउटलेट सुन ऐसे सोरे कड़ित एलिमेंट तो दज ठीक है, इसीलिए हम ये चीज इसमें यूज करते हैं, इसको हम असेंबली बोलते हैं, इनलेट और आउटलेट रहता है ठीक है, दो प्लेस रहते हैं जिसमें हम थर्मोस्टेट यूज करते हैं, एक तो ऑटो कट के लिए यूज होता है ऑटो कट थर्मोस्टेट, और दूसरा जो हमारा रहता है वो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑटो कट के लिए है, जो टेम्परेचर के लिए होता है ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, वो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ रुको एक सेकेंड, देखिए यिम्स ऐसे दो रहते हैं इसमें, एक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रहता है और एक हमारा किसके लिए रहता है, जो हमारा ऑटो कट के लिए होता क्या है, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको देखो, देखो ये फाइनल डायग्राम बन जाती है इसकी, होता क्या है कि जो हमारा ऑटो कट है, फेज हमारा ऑटो कट में देखो चार पांच चीजें टोटल है इसमें, एक तो हीटर हो गया, दो इंडिकेटर हो गए ऑन ऑफ इंडिकेटर, इसके साथ साथ हमारे पास क्या रहता है, जो हमारे पास टॉप रहता है एक थ्री पिन टॉप रहता है वो रहता है ठीक है, अम पद क्या न्यूट्रल कनेक्शन कॉमन दिवान, दोनों इंडिकेटर्स को ग्रीन इंडिकेटर और रेड इंडिकेटर को न्यूट्रल कॉमन देते हैं, और वही हमारे हीटिंग एलिमेंट को भी अंदर से सेम कनेक्शन रहता है, बट जो हमारा फेज है, फेज पहले जाता है ऑटो कट ऑफ में, उसके बाद जाता है थर्मोस्टेट में, उसके बाद वो चला जाता है हीटर में, अब काम कैसे होता है सिंपल में, थर्मोस्टेट जो है पहला वाला थर्मोस्टेट जो रहता है वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रहता है, ये दोनों थर्मोस्टेट ओर सेट कर सेट कर ये जनरली दो ढाई सौ रुपए के दोनों आ जाते हैं ठीक है, इसका इसको जो हम थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो हम 65 डिग्रीज पे पहले ही सेट किया होता है, होता क्या है कि जैसे ही 65 डिग्रीज अपना हीटर हमारा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट क्या करता है ये अत अक हिसाब फेस सप्लाई चटान ठीक है, फेस सप्लाई यु चटान व्हाट हैपेंस जो हमारे दोनों इंडिकेटर पहले से जल रहे होते हैं, दोनों इंडिकेटर गोनेचे चलान तुम दोनों चलान ठीक है, स्टार्ट से ही दोनों चलते रहते हैं, रेड भी चलता रहता है और लाल वाला भी चलता रहता है, बट जैसे ही फेज इसमें कट हो जाता है, रुको मैं इसके थ्रू आपको दिखाता हूं वैसे आपको अच्छी तरह समझ आएगा, देखो अब जैसे ही मान के चलो, जैसे ही मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहां से फेज कट हो गया, फेज गुना मैं कट हीटर गुना गर्म, फेज जब कट हो गया मेरा ग्रीन वाला इंडिकेटर जो है वो बंद हो जाएगा ठीक है, ग्रीन वाला इंडिकेटर बंद हो जाएगा और मेरा खाली रेड वाला इंडिकेटर ऑफ होगा, अब आप बताएंगे सर फिर ऑटो कट प्लेट जो दूसरा है इसका काम क्या रहता है, ऑटो कट ऑफ का ये काम रहता है इन केस थर्मोस्टेट का लेवल ऐसा बढ़ जाता है कि थर्मोस्टेट हमारा खराब हो चुका है, अब तूता गरम तूता गरम तूता गरम गसान तम पत कैसे गसान काम, जो हमारा ये ऑटो कट ऑफ होता है ये जनरली 90 डिग्रीज पे सेट हुआ होता है ठीक है, ये 90 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्रीज पे सेट हुआ होता है, तो क्या होता है जब ये सेंस करता है कि ना अथोस 65 डिग्री पे काट गसुन ये 90 डिग्री पे हुआ इट मीन थर्मोस्टेट हसा छ खराब गुमुत, तो ये क्या कर देता है ये इसको ऑफ कर देता है, यूथ ये ऑफ छ गसान तेल छ गसान ये सोरे बंद, अदरवाइज व्हाट विल हैपन खुदा ना खास्ता अगर थर्मोस्टेट खराब होगा और ऑटो कट ऑफ हमारे पास नहीं रहेगा, हीटर एलिमेंट जो है वो गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और इस गीजर को ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, इस ऑटो कट ऑफ में एक मैनुअल रिसेट बटन होता है कि अगर मान के चलो वाइंजन सोरी गो ठीक, ये मैनुअल रिसेट बटन चु प्रेस कर दोबारा पकान, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, थर्मोस्टेट में सर किसी में भी गीजर में कोई भी पार्ट कैसे कैसे करना होता है रिसेट, इसको रिसेट के लिए इसके लिए ये लाल वाला बटन है, ये रेड कलर बटन एक ये इधर
सर रेड कलर ऑटो कट के लिए, ऑटो कट पैलेट में रेड वाला है यहाँ पे yes. इसी को फिर पुश करना पड़ता है, मगर यह तमें वक्त करने युथी चुके थर्मोस्टेट चेक कर रख, आप पहले देखोगे कि वो उसमें गड़बड़ क्या थी, अगर आ थर्मोस्टेट ऑटो कट ऑफ गो में ये क्या गो में वजह क्या हुआ, कुछ तो रीजन होगा कि पानी 90 डिग्री गर्म हो गया, थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, तो थर्मोस्टेट आपको चेंज करना पड़ेगा। तब मान के चलो ऑटो कट ऑफ जो है ये आपका एक्ट करता है एज एन MCB, ये मानते अंदर MCB अत लगे, मगर अच्छे सेंसर थे, इसका सेंसर भी रहता है, मतलब ये सेंस भी करता रहता है कि आप कूता गो गर्म कह तरह मैं समझ बात समझ आ रही है जी सर। देखो ये इस टाइप का है ना, ये बराबर थर्मोस्टेट ही हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइप का ये देखो, ये बराबर युथ इस पर थर्मोस्टेट छु ना बराबर छु ये अच्छी शेप ही हूँ, ये दोनों सेम शेप के हैं, शेप छे कुनी खाली हुत क्या छु, हुत छु गोनथि बाय डिफॉल्ट इस टेंपरेचर है कान 65 डिग्री 75 डिग्री सेट करित, बट इस ऑटो कट ऑफ छु ये छु 90 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस आसा सेट करित, गचा क्या छु काम युथि मे फेस अप्लाई दिस ये छु गोनथ ऑटो कट थ्रू ट्रैवल गसा, ऑटो कट थ्रू पत गसि थर्मोस्टेट थ्रू बेक थर्मोस्टेट थ्रू ट्रैवल, तम पत गसि सनिस हीटिंग एलिमेंटस मन, हीटिंग एलिमेंट छु गर्मान गर्मान गर्मान, क्याकि दोनव डिप आबस मन कर टर्मिनल योर जूठ हिश रॉड दोनव रॉड आंदर कि आबस मन, आबस मन डायरेक्टली डिप कर थो याद, आबस मन डिप कर जो हमारे पास ये वाली असम्बली है, अगर तुम ये असम्बली मन वो ये जिसे मैं दिखाता हूँ आपको एक जो मैं इसको पेंट के थ्रू ओपन करता हूँ, ये वाले जो दो है एक यम अगर तुम वो पेट क्या लॉक कर दोनव पेट क्या लॉक कर लॉक इन्हीं में ही नीचे से थर्मोस्टेट की रॉडे फिट हो जाती है, यह रॉड से बन किन करा यूज यह खान अत हर कुन गो गथ मोन टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर वो थर्मोस्टेट सह वा अहन 65 डिग्री आव सुन फेजस कट आउट कर हीटिंग एलिमेंट बंद, अगर सू फेल गो इनकेस तथ प्रॉब्लम सू मा कर तेम सू फेल गर सू कम्प्लीटली गिक पे फेजस कट, या अगर तम फेज थो चालू यह हीटिंग एलिमेंट 60, 65, 70, 75 वातान मोन थर्मोस्टेट मे ये लग टेम्परेचर कंट्रोल खतरे ऑटो कट वो सू क्या दपान सू दपा ये वो 65 और ये वो 70 और ये वो 80 और, जैसे वो 80, 85 क्रॉस कर लेता है वो वहां पे बंद हो जाता है, वो जब वहां पे बंद हो जाता है तो उसका रीसेट बटन ऑफ हो जाता है, मतलब अक हिसाब सू बंद गा अम पत क्या कर अगर ये बे चालू कर तम खतर ये गोनेट ऑटो कट प्लेट काडून अच्छी ऑटो कट थर्मोस्टेट काडून, इसको ऊपर से आपको इस रीसेट बटन को पुश करना है और फिर ऑन करना है, बट ये हम नहीं करते क्योंकि हम पहले देखते हैं R&D करते हैं अत पे अक हिसाब रिसर्चेस करा कि तला यह गो तिकाज गो ये गो अम मूजूब क्या थर्मोस्टेट इस में लगोमुत उस अत थर्मोस्टेटस मन आसा कह नत प्रॉब्लम अमी थर्मोस्टेट वजह सत गई दलील कि मोन हीटर उस हीटिंग एलिमेंट उस गर्म्यू ठीक है तेली गो अत ऑटो कट प्लेटस ऑटो कट ऑफ में प्रॉब्लम, कभी कभार ये भी हो सकता है इसी ऑटो कट में खाली प्रॉब्लम होगा या कभी कभार दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हुत गैस ने प्रॉब्लम थी याद गैस प्रॉब्लम, तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ऐसी चीजें खरीदो, ये मेरी भी आपसे मतलब मैं पर्सनली आपको बोलूंगा जब भी कोई भी चीज आप खरीदो आप उसमें ये देख लो कि ये ISI मार्क है अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, बिकॉज बहुत दफा क्या हमारा हो जाता है हम क्या करते हैं हम लाते हैं आइटम तो हमारे पास रहता है गीजर छु मगर यह ISI मार्क आसान कि ये हाई क्वालिटी का नहीं रहता है ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि कल की डेट में वो प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए, वो सही से काम नहीं करता ठीक है, पगह छु मैं पे 5,000-7,000 उनमें गीजर बुस वा ये इन्हें वे चलानी पे पे तथा 5,000 बे लागिन, अगर जर्नली हम देखेंगे 3-4 कंपोनेंट है, एक तो असेंबली मैंने आपको दिखाया इंडिकेटर इसमें है आपके दो थर्मोस्टेट्स इसमें है और एक पावर कॉर्ड रहती है, अगर आप सारा अगर तुम अंदर आप सोरे मैकेनिज्म ही एलिमेंट हेथ मैकेनिज्म चेंज करियो थर्मोस्टेट स्क्रीन ऑफ होगी सर, हां स्क्रीन ऑफ होगी सर, हां स्क्रीन मैंने ही बंद किया स्क्रीन पे कुछ है नहीं
तो अगर हम मान के चलो हम पूरा इसका ना मैकेनिज्म ही पूरा बंद कर देंगे, मतलब नया इसमें यूज करेंगे, तो ये कह रहे हैं कॉस्ट, इट विल कॉस्ट अराउंड अबाउट 2500 रुपीज, 5600-3000 रुपये होता है सोरे सामान अंदरम गीजर नो अगर बनाऊन खाली अगर बॉडी ठीक हो। कभी कभार गीजर गसान प्रून माया वहां कत लगे तुल दियो दौर, मगर अगर आप वही यूज करोगे, आप हीटिंग एलिमेंट नया डालोगे जो 800-900 रुपए का आता है, असेंबली जो 1200-1300 रुपए यहां सुल यूज थर्मोस्टेट इन 4500-5000 रुपए ये बने 3000 रुपए असल पर नो गीजर या 5-10 वरी नियर। और इसमें और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कभी कभार हमारे पास जो गीजर आते हैं हम क्या करते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स इनको जो सप्लाई मिलती है वो पानी की टंकी से मिलती है, जो पानी की टंकी ऊपर हम लगाते हैं ठीक है, तो उसमें क्या रहता है मिनरल कंटेंट का पानी बहुत ज्यादा रहता है, फ्लोराइड्स जो साल्ट्स बहुत सारे होते हैं उस पानी में, उसका एक्शन इस हीटिंग एलिमेंट पे रहता है और उस वजह से ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये डिग्रेड होता है ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिग्रेड होता है और उसी की वजह से ये हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाता है, यूता तथ मज गंद आब ग गीजरस मज तूता गए सोन हीटिंग एलिमेंट खराब। अगर हीटिंग एलिमेंट की लाइफ 5 साल है तो उसको 2 साल भी नहीं निकलेंगे, 1 साल के बाद ही वो खराब होगा। और एक चीज जो परसों भी मैंने बताई कि इसके लिए जो हमारे पास गीजर रहता है तथ कर जो हमेशा गरि कम उस तथ अंदर असान तथ लगोमत वैल्यू, मैं आपको दिखाता हूँ प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू जो होता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, बस ये लास्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह क्लास ऑफ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। दीज टाइप ऑफ वैल्यूज ठीक है, यम वैल्यू छ लागान ज्यादातर कह, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज कभी कभार क्या होता है आपको आउटलेट अगर फॉर एग्जांपल इनलेटस आब कहें तु क्या कि आउटलेट मज गोस आब न कहें ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगाने हैं, ये करा वन वे फ्लो मतलब ये एक तरह से ही पानी को बाहर देगा या अंदर की तरफ लेगा या बाहर की तरफ देगा, ये जरूरी है बिकॉज अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो कभी कभार क्या होता है कि आपको अभी गीजर को चेक करना है, यूं तो गीजर आज चेक करूं तो यू तो इनलेट, ये ज्यादातर हम इनलेट पे यूज करते हैं, हम क्या करते हैं मिशुनी गीजर करूं चेक, मुझे जब मैं इनलेट की जो पाइप होगी वो निकालूंगा तो इनलेट की पाइप से भी पानी बाहर आएगा, उसको रोकने के लिए मुझे ये वाला वैल्यू वन वे वैल्यू यूज करना ही करना पड़ेगा, कह तरह समझ क्या मुझे चला गया। हाँ ये वन वे फ्लो करता है, ये रुकावा एक तरफ तथ आब न क्या मैं करूँ कम यु इनलेट खुलाओ मे क्या गपर वे मैं सोरे आब गए बोन वन क्या चेक कर बह अत आउटलेट कि ना सू कत ग चेक गो तेल मैं सोरे आब गए सोरे खत्म कर गीजरस पे बे आब दिन योतान बह पे हेक बह चेक कर आउटलेटस मज क्या प्रॉब्लम इनलेटस, ये जर्नल सी प्रॉब्लम हो गई थी जब पिछली दफा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको जब ना फ्रीजिंग टेम्परेचर विंटर्स में हुआ तब वो दुबई सर अस गए दलील मे क्या या अस द्रो ठंड नलक कि द्रो गरम आब ठीक सह मेन चीज आसान, क्योंकि उसमें क्या रहता है हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम फॉर एग्जांपल गीजर की बात करेंगे यूथ मैं चेक कोस करूँ तला मून गीजर से आब अंदर निवा यूथ मैं खुलो तथ यूथ मैं जो पाइप मैंने निकाली तो हुआ क्या वहां से सारा पानी नीचे आ गया, फिर हम चेक ही नहीं कर पाए कि इसमें इशू क्या है, अदरवाइज अगर ये वाला वाल्व वहां पे लगा हुआ होता तो मुझे कोई भी उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। और एक चीज इसमें लगी रहती है जो मैंने आपको परसों भी दिखाया था, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू जो हमारे पास ये वाले छोटे सॉरी प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू नहीं, ये वाले जो छोटे वाले टर्मिनल जैसे रहते हैं हमारे पास इस बराबर ये डिबर ही चाहान ये रहता है, जो बीच वाला पोर्ट अगर आप देखोगे किसी भी गीजर का बीच वाला देखोगे तथ सो प्लास्टिक पाइप ही आसान तथा नीच पाइप ही आसान तथा तम पाइप हूं क्या तथ वो तुम मंज कसान आब इनकेस खुदा ना खासा जो आपका ये गीजर है गीजर में ऑटो कार्ड भी खराब हो गया आपका थर्मोस्टैट भी खराब हो गया तो वो छोटी वाली पाइप जो उसमें लगी होगी वो आपको इतनी मदद करेगी, मदद किस हिसाब से करेगी ये कि ये पाइप जो आपको दिख रही होगी पेंट के थ्रू दिखाता हूँ आपको ये वाली पाइप एक ये पाइप छा आसान गीजरन कुछ मुझे हो हाँ
इस पाइप का क्या मोटिव रहता है, इस पाइप का ये मोटिव रहता है कि जैसे ही अगर अंदर ऑटो कट या थर्मोस्टेट में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अच्छा बिठे आसान जिससे जो मैंने आपको बताया ऐसा मैकेनिज्म रहता है, अच्छे की इसी डिबर ही आसान लगा ये, इसमें क्या रहता है, इसमें ये एक तरफ से बंद रहता है, अच्छा अंदर की आसान अख मटेरियल त्रही सु मटेरियल क्या छ आसान सु जो पर्टिकुलर एक टेंपरेचर पर पिघलान युथ सु पिघलान छ सु आब जो तेल वसान तपर तो वसो तेल तमे पाइप किन बोन आब आय मौजूद कि गीजर गोस न फाटन सु छ तपरी वसान आब मगर ये पिघलान छ इन वर्स्ट केस सिनेरियो मन तो ये छ आसान डेड एंड लास्ट अत स्लॉट आसान शॉर्ट आसान तेल छ तपर वसान आब इन जनरल केसेस अपर छ न आब वसान के ये छ न तु दप ओवरफ्लो पाइप छ इस नॉर्मली दमा ये छ अपर छ गसान ओवरफ्लो ओवरफ्लो छ न गसान सु छ अंदर टेम्परेचर गर्मान टेम्परेचर की मदद से इसके अंदर एक पासा होता है एक मटेरियल मतलब एक मटेरियल का एक कह सकते हैं एक लॉक रहता है इसमें सुच अंदर की बंद आसान यह अपर ऐसा बंद अपर छ घुसन जय आसान कहीं मगर युथ अत मन सु आब तथ टेम्परेचर पे गसान सु तथ मटेरियल पिघलावान पत आब तम पाइप थ्रू बोन वसान कतर है मेन समझ। हाँ इसके साथ साथ और एक चीज हमारे पास रहती है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ठीक है ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू भी आप देखो सॉरी ये वाला वैल्यू नहीं है वो एक सेकंड उसका था नहीं उसका है नहीं एक ना सोचे ये डिबर हिच आसान सो अगर तुम वो पन गर गीजर तुम वो तथ पे ये डिबर हिच आसान जो साइड है एक इसमें इसमें आप देखोगे मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला एक ये बॉटम राइट साइडस पे गोल कर ठीक है ये वाला रहता है ये किस लिए रहता है ये प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रहता है ठीक है अच्छी स्प्रिंग हुआ आसान वो स्प्रिंग की मदद से हम क्या करते हैं हम प्रेशर जो पानी का प्रेशर होगा कौन सा अच्छी यूथ आसान कि ये इनलेट पे हम यूज करते हैं पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि सोई के अंदर गीजर से ही फाट रहे या पानी का प्रेशर इतना कम रहता है ये प्रेशर ऐसा मेंटेन करा अमी हिसाब से पता सो स्प्रिंग जो इसका रहता है वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है वो बाय डिफॉल्ट ही सेट किया होता है हमें इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे नीचे की तरफ आपको अगर मतलब इन जर्नल अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या आपको दिखेंगे दो टर्मिनल जो हमारे हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज होते हैं दो हमारे इनलेट और आउटलेट के लिए यूज होंगे और दो हमारे थर्मोस्टेट के होते हैं थर्मोस्टेटस मन से थर्मोस्टेटिक त्रावा अख ऑटो कट त्रावा अख टेम्परेचर लगावा हीटिंग एलिमेंट में हम दो लगाते हैं और तीसरे के लिए हम क्या करते हैं जो दो हमने लगा दिए हीटिंग एलिमेंट दो में लगा दिए थर्मोस्टेट हमने अपने दो में इंस्टॉल कर दिए इनलेट आउटलेट पाइप लगा दैट्स इट बस बाकी इंडिकेटर की जो चेसिस है वो हम ऊपर पहले फिट कर देते हैं उसके बाद पावर कॉर्ड पे इसको पावर सप्लाई देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज बताओ। कोई क्वेश्चन है आपको जिन्होंने लेक्चर मिस किया होगा आज का या पिछला वाला मैंने गीजर के रिलेटेड सारा कुछ बताया है प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है मेहरबानी करे 10 मिनट कोड पबजी या बाकी फ्री फायर मंज 10 मिनटन दिस तथ कुन नजर तला ये क्या दलील है क्योंकि ये चीजें आप घरों में भी यूज कर सको जरूरी बह त्रा दुकान ते मिश पत शेयर यम चीज घर तीन अस ठीक है घरों में भी ये प्रॉब्लम हमारे पास होती है तो ये आप घरों में भी फिर ठीक कर सकते हो तो ये क्यों पान चेक करिए कि मोन चीज है ठीक कि ना सिंपल एलिमेंट को अगर चेक करना हो सिंपल मैंने बताया सीरीज टेस्ट लैंप सीरीज लैंप तो घर सुबह पान है तो एलिमेंट चेक करिए तो ये क्यों पान असेंबली बॉडी बदलवि तो ये क्यों सारी काम पान करिए अच्छा कहां ते प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जरूरत कहीं अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो हाउ टू डू इट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहां से देखना है। कभी कभार ऐसी भी चीजें होती है कि नश तार द्रामस तुम सोरे गीजर खुल तुम कर आपको ऐसा देखना है कि जो आप काम करेंगे वो सही से हो। किसी को आज की टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ अदरवाइज वी विल एंड दिस क्लास फॉर टुडे। नो सर क्वेश्चन चलो ठीक है ओके ओके थैंक्स थैंक्स अल्लाह हाफिज़।